स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस एंड वी वर डिस्कसिंग द चैप्टर टू स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स आर फोर, देयर आर फोर क्वांटम नंबर्स। फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड द लास्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। These quantum number tell us about the position of electron. ये क्या बताते हैं हमें? इलेक्ट्रॉन की पोजिशन बताते हैं कि एक्चुअल में जिस इलेक्ट्रॉन के लिए ये क्वांटम नंबर हमें दी हुई है वो इलेक्ट्रॉन कौन से शेल का है, कौन से सब शेल में है, कौन से ऑर्बिटल में है और उसकी स्पिन कैसी है, पॉजिटिव या नेगेटिव। आपको पता ही है हमने शेल्स के बारे में बात करी, सब शेल्स के बारे में, फिर हमने ऑर्बिटल्स के बारे में, फिर मैंने आपको ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करना बताया था। एक में तो उसकी स्पिन यानी कि वो अपवर्ड एरो था और एक डाउनवर्ड एरो था, तो उस उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की है ना, किसी भी एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन की एकदम करंट पोजीशन, फिक्स पोजीशन जो होती है या फिर जहां पर वो भरा हुआ होता है, फिल हुआ होता है, उसकी पोजीशन बताने के लिए हमें ये क्वांटम नंबर्स हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से डिक्टेट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? एन से। अब जब हम इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको पता ही है एन को हम और के किसके लिए यूज में लेते हैं? शेल के लिए। किसके लिए यूज में लेते हैं? शेल या एनर्जी लेवल के लिए। तो शेल ऑर्बिट और एनर्जी लेवल का पता हमें किस किस नंबर से पता चल जाता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की से। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर हमें पता हो तो उस इलेक्ट्रॉन का हम शेल नंबर पता कर सकते हैं या बता सकते हैं। अभी हम एग्जांपल लेके करेंगे। उसके बाद में है एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। इसको सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं, इसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोल देते हैं। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम डिक्टेट करते हैं बाय एल, स्मॉल एल, एंड ये हमें बताता है अबाउट द सब शेल्स। अगर हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर पता है किसी इलेक्ट्रॉन के लिए तो हमें उसका सब शेल पता हो जाएगा कि वो किस सब शेल का है। ओके, फिर हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एम से डिक्टेट करते हैं और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है। ठीक है, क्या बताता है हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल, कि वो पी एक्स में है, पी वाई में है या डी एक्स वाई में है या डी जेड स्क्वायर में है, तो कौन से ऑर्बिटल में है वो हमें पता चलता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, सॉरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। उसके बाद में हम बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो देखिए स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें बताती है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बताता है ये हमें? इलेक्ट्रॉन की स्पिन। तो देखिए आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे हो तो हम उसको बोलते हैं कि उसकी स्पिन कितनी है? प्लस हाफ। क्या है उसकी स्पिन? प्लस हाफ यानी कि पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड एरो है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ इलेक्ट्रॉन को, दैट मींस इसकी स्पिन कैसी है? नेगेटिव, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस हाफ। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, अगर स्पिन पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू यानी स्पिन क्वांटम नंबर होगा प्लस हाफ, अगर नेगेटिव है तो उसका स्पिन क्वांटम नंबर होगा माइनस हाफ। ठीक है, तो ये तो है समरी अबाउट द प्रिंसिपल एजीमुथल मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर्स। इन क्वांटम नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनके सिंबल्स, और ये हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल्स के बारे में बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें सब शेल्स के बारे में बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल के बारे में बताता है, एंड स्पिन क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है कि वो इस तरीके से है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पर n क्योंकि शेल्स को बता रहा है, तो मान लीजिए किसी
शेल को इस तरीके से लिखा हुआ है 4s। तो आपको पता है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि सब शेल के आगे जो नंबर लिखा हुआ होता है वो होता है n, है ना। सब शेल के आगे की तरफ जो लिखा हुआ होता है वही क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड दैट इज द एनर्जी लेवल और ऑर्बिट और शेल। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया कि n यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है इसके लिए 4। तो इस तरीके से हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर हमें पता हो तो हमें शेल नंबर पता चल जाएगा, और अगर हमें किसी ऑर्बिटल का इस तरीके से सिंबल दे रखा हो तो उसे देखकर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब ये कैसे होता है, अगर हमारे पास में एस सब शेल है, किसके बारे में बताता है हमें एल, ये क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है, सब शेल के बारे में। अगर सब शेल एस है तो इसके लिए एल की वैल्यू होती है 0, ये हमें लर्न करना है। अगर सब शेल एस है तो इसके लिए एल की वैल्यू होती है 0, अगर सब शेल पी है तो इसके लिए वैल्यू होती है 1, डी है तो इसके लिए वैल्यू होती है 2, एंड एफ है तो इसके लिए वैल्यू होती है 3। ये हमारे लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर्स होते हैं फॉर द गिवन सब शेल। एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 एंड एफ के लिए 3। ये हमें याद रखना है। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, एस, क्या दे रखा है हमें एस, इट मींस यहाँ पर एल इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। मैं यहाँ से एग्जांपल ले रखा है मैंने, उस एग्जांपल से देखिए मुझे एन मिल गया, यहाँ से सब शेल के आगे जो नंबर लिखा होता है वो एन होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, और जो सब शेल है सब शेल से हमें एल की वैल्यू मिलेगी, ये देखिए। ठीक है, ये हमें लर्न करना है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। तो देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है प्लस माइनस एल टू माइनस एल, प्लस एल टू माइनस एल, यहां हम प्लस पहले लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे उल्टा होता है, वैसे हम माइनस फिर जीरो फिर वन प्लस वन करते हैं, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस एल फिर बाद में जीरो फिर आ जाएगा माइनस एल। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, प्लस एल टू माइनस एल। चलिए हम यहाँ पर, हमारे पास में अगर एल इक्वल टू जीरो है जो किसके लिए होती है, एस ऑर्बिटल के लिए, तो यहाँ पर एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल है जीरो तो जीरो ही होगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पी के लिए, पी के लिए एल की वैल्यू होती है 1, यानी हमारे पास में एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 है, तो एम कितने हो जाएंगे, प्लस 1 फिर जीरो फिर माइनस 1, यानी एम की वैल्यू 3 हो सकती है, प्लस 1 भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और माइनस 1 भी हो सकती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्लस एल टू माइनस 1, तो एल इक्वल टू 1 है तो प्लस 1 टू माइनस 1। ओके, फिर हम बात करते हैं डी के लिए, डी के लिए एल की वैल्यू होती है 2, तो एम की वैल्यू हो जाएगी प्लस 2 से लेकर माइनस 2, तो प्लस 2 फिर प्लस 1 फिर 0 फिर माइनस 1 देन माइनस 2, तो इस तरीके से वैल्यूज हो जाएगी। देखिए डी ऑर्बिटल 5 होते हैं तो देखिए 5 ही है, पी ऑर्बिटल 3 होते हैं तो देखिए 3 वैल्यूज आ रही है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की, क्योंकि हमें पता है कि जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो 3 होते हैं। तो अगर मैं इस तरीके से पी ऑर्बिटल्स बनाती हूँ तो यहाँ पर इस ऑर्बिटल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए वैल्यू होगी प्लस 1, यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए वैल्यू होगी 0, और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो उसके लिए वैल्यू होगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की माइनस 1। ठीक है, इसी तरीके से डी ऑर्बिटल 5 होते हैं, तो मैं यहाँ पर अगर 5 ऑर्बिटल्स बनाती हूँ डी, ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो माइनस प्लस 2 प्लस 1, इसके लिए 0, इसके लिए माइनस 1 और इसके लिए माइनस 2 वैल्यूज होती है। ठीक है, और एफ के लिए क्योंकि और एल की वैल्यू होती है 3, तो एफ के लिए अगर हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितने हो सकते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं एफ, तो माइनस प्लस 3 फिर प्लस 2 प्लस 1 0 माइनस 1 माइनस 2 एंड माइनस 3। तो इस तरीके से जो एफ ऑर्बिटल
होते हैं उनके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर प्लस थ्री से लेकर माइनस थ्री तक होंगे। ओके, अब देखिए यहां से मैं वही एग्जांपल ले रही हूं। यहां पर क्योंकि एल के लिए जीरो है, ठीक है, 4s में हमारे पास में l इक्वल टू जीरो है तो m इक्वल टू भी क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसके लिए यानी 4s के लिए m इक्वल टू भी क्या हो जाएगी, जीरो। अब 4s हमें इलेक्ट्रॉन्स देगा कि 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4s, क्योंकि आपको पता है s ऑर्बिटल एक ही होता है, ये हमारे पास 4s है। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो हम उसको हमेशा पॉजिटिव स्पिन में रखेंगे। तो अगर ये 4s1 है, क्या है, 4s1, तो हमारे यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर हो जाएगा प्लस हाफ। ओके, लेकिन अगर दो इलेक्ट्रॉन है इसमें तो सेकंड इलेक्ट्रॉन अगर इस तरीके से भरा हुआ होगा तो वो डाउनवर्ड होगा। और हमेशा हम स्पिन क्वांटम नंबर जब भी कैलकुलेट करते हैं या क्वांटम नंबर्स हम किसी इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा लास्ट इलेक्ट्रॉन को हमें देखना है। किसको देखना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन को। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है, नेगेटिव हाफ, तो क्या हो जाएगी इसके लिए, नेगेटिव हाफ। तो हमारे पास में अगर 4s2 है, ठीक है, 4s2 गिवन है, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो 4s में इस तरीके से भरा जाएगा। और इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो देखिए, ये रहा n, ठीक है, ये l, l से हमें मिलेगा m, m से हमें मिलेगा, m के बाद में जो इलेक्ट्रॉन होता है पॉजिटिव नेगेटिव, उससे हमें स्पिन मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम चारों क्वांटम नंबर्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इन्हीं क्वांटम नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स लेंगे। थैंक यू।